आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। क्लास नाइन्थ बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ये हमारे दो टॉपिक, जो लास्ट दो टॉपिक्स रह गए हैं, इसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। कल इंशाल्लाह हम लोग इसकी एक्सरसाइज देखेंगे और साथ साथ हम इसके जो है वो न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, जो हमारे इंक्लूडेड सिलेबस में है। इंक्लूडेड टॉपिक के हिसाब से हमारे ये दो टॉपिक रह गए हैं जिसको आज हम फाइनल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट। बेटा, सिर्फ सैटेलाइट की बात की जाए ना, तो वो चीज़ें जो कि इस प्लान किसी भी प्लानट के इर्द गिर्द जो है वो रोटेट करती हैं, रिवॉल्व अराउंड द प्लानट, वो आपके पास सैटेलाइट कहलाती हैं। जैसे चाँद है, वो चाँद आपके पास रोटेट कर रहा होता है अर्थ के इर्द गिर्द, रिवॉल्व कर रहा होता है, तो ये आपके पास रिवॉल्व इस यहाँ पर रिवॉल्विंग ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है रोटेशन के बजाय। तो रिवॉल्व जब जो चीज़ें किसी भी प्लैनेट के इर्द गिर्द करती हैं वो सैटेलाइट्स होती हैं, और यहाँ पर अर्थ की जो नेचुरल सैटेलाइट्स है, जो सैटेलाइट है वो आपके पास मून है। और इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने अपनी आसानी के लिए मुख्तलिफ किस्म की जो आसानियाँ, मतलब कम्युनिकेशन के लिए, अपने काम वर्किंग के लिए उन्होंने मुख्तलिफ डिवाइसेस जो है वो स्पेस में भेजी हुई हैं, और ये हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहलाती हैं। और यहाँ पर बहुत सी ऐसी हैं सैटेलाइट, मोस्ट ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ आर यूज्ड टू कम्युनिकेशन पर्पस। ज़्यादातर का कम्युनिकेशन पर्पस है, इंटरनेट वगैरह, टेलीविजन और डिश एंटीनास टाइप, जो जिनसे हमारे पास जिन जो कनेक्ट होते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट कैरी इंस्ट्रूमेंट और पैसेंजर, ये बाजू का चीज़ सामान को भी ले जाने काम आती हैं और लोगों को भी, ताकि वो मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट कर सकें स्पेस के अंदर। लार्ज नंबर ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैव बीन लॉन्च्ड इन डिफरेंट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। दे टेक डिफरेंट टाइम टू कम्प्लीट देयर वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ डिपेंडिंग अपॉन देयर डिस्टेंस एज फ्रॉम द अर्थ। कोई जितनी दूर होती, जितना यहाँ सरफेस से लेकर यहाँ तक ये फासला ज़्यादा होता चला जाएगा ना, उतना ही आपके पास क्या होता हो जाएगा, वहाँ का जो उसका जो टाइम है एक रेवोल्यूशन का, वो ज़्यादा होता चला जाएगा। और कुछ सैटेलाइट ऐसी हैं जो कि आपके पास 24 आवर्स, जितना एक दिन और रात कंप्लीट होने में टाइम है उतना ही टाइम लेती हैं, इन्हें हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स कहते हैं। डिश एंटीना वगैरह को रिसीव करना, सेंड करना सिग्नल्स को, ये इनका काम होता है। यहाँ पर डू यू नो में हमारे पास दो बड़ी इंफॉर्मेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। जीपीएस, पहली चीज़ जो हम ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम देखते हैं, जो हम मुख्तलिफ चीज़ों के डायरेक्शन के लिए हम अपने मोबाइल फ़ोन में आजकल जीपीएस देख लेते हैं, तो ये उसके बारे में है। जीपीएस यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम इज़ अ सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। इट हेल्प अस टू फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एनी वेयर ऑन द लैंड। जो कहीं भी होती है, अगर उसके पास वहाँ भी जीपीएस मौजूद है, उसकी लोकेशन मौजूद है, तो हमें एग्जैक्ट बता देती है। अर्थ ट्वाइस अ डे विद अ स्पीड ऑफ 3.87 किलोमीटर पर सेकेंड जो है वो रिवॉल्व करती हैं, ये वाली सैटेलाइट जो जीपीएस के बारे में बताती हैं। और इसके बाद द हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज़ अबाउट 42,300 किलोमीटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। इट्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो उनकी स्पीड होती है, तो अर्थ के हिसाब से, ठीक है, अगर हम किसी और के हिसाब से देखें तो वो उसी तरह मूव कर रहे होंगे जिस तरह के उसकी मूवमेंट दूसरी जगह पर हमें नज़र आएगी। और इसी तरह यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने हैं। डू यू नो मून इज़ नियरली 380,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। इट कम्प्लीट्स इट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन 27.3 डेज, ठीक है, तकरीबन जिस जैसे हम मून की जो है वो हर चांद को देखते हैं 29 या 30 दिन का, तो वो तकरीबन उसको अपना एक चक्कर ज़मीन के इर्द गिर्द पूरा करने में इतना टाइम लग जाता है। अब मोशन ऑफ सेटेलाइट है, मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सेटेलाइट। आर्टिफिशियल सेटेलाइट रिक्वायर सेंट्रीपेटल फोर्स, डैट दे हमारे पास, हमने यहाँ पर सेंट्री जो पीटल फोर्स पड़ी थी, एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द जब हम किसी भी बॉडी को किसी डोरी के साथ इस तरह बांध के जब घुमाते, तो एक यूनिफॉर्म पाथ के ऊपर घूमना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर इसी तरह सैटेलाइट्स भी जो होती हैं उनका एक जो है ऑर्बिट बन जाता है जिसके ऊपर वो घूम रही होती हैं, तो वहाँ उनकी कुछ ना कुछ स्पीड होती है। अब यहाँ पर स्पीड को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करें, कंसिडर अ सैटेलाइट जिसका मैस एम है रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एंड एट एन एल्टीट्यूड एच इज एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर नॉट विद द ऑर्बिटल वेलोसिटी वी नॉट, ठीक है, वेलोसिटी और आर नॉट को ऑर्बिटल की वजह से हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। जो आपके पास सेंट्रीपेटल फोर्स है वो आपके पास उसका फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर ओवर आर, लेकिन न्यूटन सेकेंड लॉ
जो है वो ऑफ मोशन, ये हमें बताता है कि फोर्स जो है वो एम जी के बराबर होती है ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि फोर्स और वेट एक ही बात है। तो हमारे पास एम जी इज इक्वल टू एम वी ओवर आर आ जाता है। एम एम से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, यानी आपके पास एम जी, ये एच हाइट की वजह से है, और यहाँ पर एम वी स्क्वायर यानी वी नॉट स्क्वायर और आर नॉट आपके पास है। एम एम से कैंसिल, तो आपके पास ग्रेविटी विद रिस्पेक्ट टू हाइट एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी ओवर आर, ये यहाँ पर डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एच और आर नॉट, ये हमारे पास आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट, क्योंकि वेलोसिटी सिर्फ फाइंड करनी तो उसका स्क्वायर था। तो यहाँ पर ये हमारे पास इसी तरह उसने भी किया हुआ है, लेकिन उसने कहा कि अगर आपके पास ऑर्बिटल स्पीड रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट हो जाए तो उसकी जगह पर ये आ जाएगी, और अगर हाइट रेडियस हाइट से बहुत ज़्यादा, मतलब हाइट ना होने के बराबर है, तो यहाँ पर ग्रेविटी और हाइट सेम हो जाती है, तो हमारे पास ये वैल्यू ये आ जाता है जी की जगह पर ये और आर की जगह पर ये। जी की वैल्यू आपको पता है 9.8 होती है अप्रोक्सीमेटली, हम लोग 10 लेते हैं। रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10 रेज टू पावर 6 मीटर होता है, और हम इसकी वैल्यू जब यहाँ पर यूज़ करेंगे तो हमारे पास वी नोड की वैल्यू 8 किलोमीटर पर सेकेंड और 29,000 किलोमीटर पर आर आ जाएगी। तो ये हमारे पास मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सेटेलाइट होती है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ जाता होता है, और अगर आपने इसको लिखना है तो यहाँ से आपने लिखना है, कंसीडर से शुरू करना है और यहाँ तक एंड तक लिखना है। ठीक है बच्चों, कोई लेक्चर के अंदर कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं इस चीज़ को।